नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2024, और 17 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में स्थान। अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीनस ने मून लैंडर ओडिसी को किया लॉन्च, और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लासें मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय सेना के जवान को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? तो वरिंदर सिंह को। दिल्ली सरकार ने राज्य की सड़कों पर 350 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। अब राजधानी में कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें होगी? 1650। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो नवाब सलाम को। किस देश की पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च हुई? तो ये हुई है सऊदी अरब के अंदर। नेक्स्ट देखो, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी? तो बुडापेस्ट को। किस संस्था ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप मिल्की वे टेबलेट का अनावरण किया? तो एपिक फाउंडेशन ने। किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? तो असम राज्य ने। और बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? तो ये थी हंगरी की राष्ट्रपति। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। रोज आपको शाम को टेस्ट मिल जाता है, जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली लाइव टेस्ट है मिल जाता है। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और इसके अलावा आपके लिए ऐप के अंदर नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। कल LDC जो है लिपि ग्रेड सेकेंड और कनिष्ठ सहायक की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है अभी। तो आप इसके अंदर स्पेशली भारत और राजस्थान का करंट आपको मिलेगा। तो इसमें कल मैंने PDF वगैरह भी डाल दी, टेस्ट वगैरह भी डाल दिए। इसमें आपको ओनली भारत और राजस्थान का करंट मिलेगा। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो अभी आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये LDC की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा एक दूसरी नई टेस्ट सीरीज है रेलवे लोको पायलट। जो साथी कोई विद्यार्थी रेलवे लोको पायलट की टेक्निशियन की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी जो CBT 1 का एग्जाम होगा ना जुलाई सितंबर महीने के अंदर, तो उसके लिए भी हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसके अंदर आपको टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे। इतने टोटल 30 टेस्ट है मिलेंगे, कुल 75% कुल 75 अंकों के, और 1 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान, जागरूकता और करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन है मिलेंगे, यानी कि 30 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निशियन परीक्षा का आज इसके अंदर आपको पहला टेस्ट है, यानी कि पहला मॉडल पेपर आपके लिए इसमें अपलोड हो जाएगा। और ये इधर हमारी LDC वाली आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये दो नई टेस्ट सीरीज कल है लॉन्च हो चुकी है। तो ये आप प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रह चुकी है? तो पिछले मैंने बताया था जुलाई के अंदर है, जब ये फीफा की रैंकिंग आई थी जुलाई महीने के अंदर 2023 में, उस समय भारतीय टीम थी 99वें स्थान पे। कौन से 99वें स्थान पर थी? लेकिन अब भारतीय फुटबॉल जो भारतीय टीम है वो राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग के अंदर है, जो लगभग नीचे गिर चुकी है, और ये 117वें नंबर पर है पहुंच चुकी है। कौन सा स्थान आ गया? 117वें स्थान पर पहुंच चुकी है कौन सी फीफा रैंकिंग के अंदर। और सबसे टॉप पर तो अर्जेंटीना है सबसे टॉप पर, और भारत है 117वें स्थान पर। देखो, भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीनतम फीफा रैंकिंग में 15 स्थान गिरकर 117वें स्थान पर आ गई, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे निचला स्थान है। और वर्तमान रैंकिंग 21 दिसंबर 2023 को जारी रैंकिंग में भारत 102वें स्थान के बिल्कुल विपरीत था। अब मैंने जुलाई के अंदर आपको बताया था 99वें स्थान पर था,
उसके बाद में 21 दिसंबर 2023 के अंदर जब भारत की रैंकिंग आई तो उसके अंदर भारत 102वें स्थान पर था, 102वें स्थान पर था। लेकिन अब नवीन रैंकिंग फिर आ गई तो इसके अंदर 15 स्थान गिरकर भारत 117वें स्थान पर है पहुंच चुका है। और विश्व चैंपियन अर्जेंटीना सबसे टॉप पर है, उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राजील है। वर्तमान में फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, फीफा का मुख्यालय है। तो याद रखना भारत की कौन सी रैंकिंग है, इसके अंदर है 117वां स्थान। कौन सा देश अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी कर रहा है अपना देश भारत। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अपना देश भारत है वो अगले महीने क्या है, पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक है मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। इसका जो निर्माण है ना वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया, और इसको भारत है वो लॉन्च करेगा इसको। देखो भारत अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक है मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षण पूर्वी तट से किया जाएगा, पूर्वी तट है ना भारत का, उससे किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते निर्धारित एक बैठक के अंदर जमीन पर मार करने वाली 800 किलोमीटर मार क्षमता की क्रूज मिसाइल की खरीद पर भी विचार है कर रहा है। अपने रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये इस हफ्ते के अंदर उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जो जमीन पर जो मार करने वाली 800 किलोमीटर की जो मार क्षमता वाली एक मिसाइल है उसकी खरीद पर भी विचार करेंगे। तो रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का विकास है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया। इस पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलों के दो संस्करण हैं, एक तो है जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल, इसको बोलते हैं LSM, और एक है पोतरोधी क्रूज मिसाइल ASCAM। ये है ध्यान रखना अलग अलग, दोनों जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल और एक है पोतरोधी क्रूज मिसाइल। ये बड़ा शानदार पॉइंट है, करंट में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। किस संगठन की मदद से अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीनस ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया है? मून लैंडर का मतलब है चंद्रमा पर जो लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया, तो ये किस संगठन की मदद से लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा की मदद से। ध्यान रखना नासा की मदद से ना एक अमेरिकी कंपनी है इंटुएटिव मशीनस, इसने क्या है नासा की मदद से मून लैंडर पर ओडिसी को लॉन्च किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इसने ओडिसी को लॉन्च किया। देखो पूरी डिटेल, नासा की मदद से अमेरिकी कंपनी इंटुएटिव मशीनस ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया। इसका नाम कवि होमर के हीरो के नाम पर है रखा गया। किसके नाम पर? कवि होमर के हीरो के नाम पर रखा गया। पहले इसे 14 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, पर ईंधन संबंधी समस्या के कारण इसमें देरी हो चुकी है। यानी कि पहले ये 14 फरवरी को लॉन्च होना था, लेकिन अब ये उम्मीद बताई जा रही है 22 फरवरी को जो है उतरने का प्रयास करेगा। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत जापान ने चंद्रमा पर सफल मिशन है भेजा। तो अपना देश आपको पता है भारत चौथा देश है और जापान पांचवा देश बन गया। ह्यूस्टन आधारित परिवार कंपनी ने अपने 4.3 मीटर ऊंचे और 6 पैरों वाले लैंडर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से 300 किलोमीटर की दूरी पर है मालापाड क्रेटर के पास 22 फरवरी को उतारने का दूतावास प्रयास है करेगी। जो ये मून लैंडर ओडिसी है ना, ये क्या है, पहले 14 फरवरी को लॉन्च होना था, लेकिन अब इसमें ये क्या हो गया, जो ये 6 पैरों वाले लैंडर थे ना वो पहले वाले, उसको क्या है ये 22 फरवरी को उतारने का प्रयास है किया गया। तो ये अलग अलग है, दोनों ही बड़े तरीके से उसको भी याद रखना है। किस राज्य से भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत होगी? किस राज्य से भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत होगी? ये होगी उत्तराखंड राज्य के अंदर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो अगर दुर्घटना हो जाए, किसी का शिकार जो है, शिकार के लिए व्यक्ति किसी दुर्घटना हो जाए जो व्यक्ति के साथ में, तो इसे तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, और ऐसा पहला राज्य करेगा उत्तराखंड राज्य। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी, और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी दी। इस सेवा के तहत एक हेलीकॉप्टर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम्स में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा। यानी कि एम्स में इसको तैनात किया जाएगा और इसको 150 किलोमीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर को कहीं भेजा जा सकता है, ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके, यानी कि तुरंत उसको चिकित्सा की उपलब्ध मिल सके। हाल ही में जर्मनी किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो जर्मनी किस देश को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? इसने पछाड़ा है जापान को। किसको पछाड़ दिया? वर्तमान में भी भारत देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद में है जापान, चौथे स्थान पर है, और अब जर्मनी आ गया तीसरे स्थान पर है। अब माना ये जा रहा है भी भारत भी इसी साल क्या है, भारत है इसी साल जापान को पीछे छोड़कर है अब चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, यानी कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत है ना, इस साल जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया। इसका मुख्य कारण यूरो की स्थिरता की तुलना में येन में महत्वपूर्ण मूल्यह्रास है, यानी कि यूरो की स्थिरता की तुलना में क्या है, येन के अंदर एक मूल्यह्रास हुआ है, उसके कारण जो है जापान पीछे रह गया। जापान की अर्थव्यवस्था पिछले साल 1.9% बढ़ने के बावजूद है चौथी तिमाही में सिकुड़ गई, जिससे वह चौथे स्थान पर है खिसक चुका है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये किया है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। किसके कर दिया? अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है D.Y. चंद्रचूड़, उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है भी जो आपको बताइए ये क्या है, जैसे कोई व्यक्ति मान लो भी कोई पार्टी में जाना चाहता है तो उसके लिए वो फंड देता है, तो फंड वो क्या होगा, गुमनाम, यानी कि किसी को पता नहीं चलेगा वो फंड देगा उसको, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इसको इसका उल्लंघन करते हुए उसको असंवैधानिक माना, बोलो इसको बंद करो। तो इसने बंद इसमें अनुच्छेद 19 के तहत इसका उल्लंघन किया गया, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फंडिंग में गुमनाम, ये देखो राजनीतिक दलों में गुमनाम रहने की आलोचना करते हुए सर्वसहमति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। इस फैसले के नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने किया, और स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन, यानी कि स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा, यानी कि किसी चीज का अगर खुलासा न करना हो तो उसका उल्लंघन किया जाएगा, तो इसी के तहत उसको रद्द कर दिया। किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? जी जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए। किसने? साउथ इंडियन बैंक ने। तो ये साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का खिताब जीता। इसमें प्राप्तकर्ता थे P.R. सह्याद्री, ये है साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला, ये P.R. सह्याद्री को, ये साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO है, इनको ये सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार है मिला। हाल में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो सामाजिक विकास आयोग के आपको पता है अपने वर्तमान में अध्यक्ष है रुचिका कंबोज, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये रुचिका कंबोज है, इसकी अध्यक्ष है। तो ये भारत में, भारत देश ने भी क्या है 5 से लेकर 15 फरवरी के बीच में इसकी अध्यक्षता की है, 62वें सत्र की अध्यक्षता की है इस देश ने, भारत ने। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की, जो सामाजिक विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक उल्लेखनीय क्षण है, यानी कि इस पे क्या है सामाजिक विकास के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बातचीत की जाती है, और ये 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की, किसने, रुचिरा कंबोज ने। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने किस शहर में
संशोधित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना शुरू की है। और केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री के द्वारा किस शहर में संशोधित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना शुरू की, ये की उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर शुरुआत की इसकी? नई दिल्ली के अंदर इस योजना की शुरुआत की। तो ये अपने मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी कि AHIDF योजना का अनावरण किया और साथ में AHIDF के लिए एक रेडियो जिंगल भी पेश किया है। तो इतना ही आपको याद रखना, एक रेडियो जिंगल भी पेश किया गया। किस IIT ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? किस IIT ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? ये किया है IIT जम्मू ने, इसने किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि के बारे में जानकारी इकट्ठे करेगा ये ड्रोन है। ये IIT जम्मू के द्वारा एक ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है विकसित किया गया। IIT जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर करण नथवानी ने ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित एक एंट्री ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की। यह नवीनतम प्रणाली अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो पहचान के लिए ध्वनि का उपयोग करती है, जो पहचान के लिए एक ध्वनि का उपयोग करेगी, यानी कि ध्वनि का इसमें संकेत मिलेगा, कम ज्यादा सबसे ज्यादा ध्वनि के बारे में ड्रोन बताएगा। हाल ही में प्रबोवो क्या है? प्रबोवो सुब्यांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है प्रबोवो सुब्यांतो, ये बन गए इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। किस देश के बन गए? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रबोवो सुब्यांतो पहले दौर में लगभग 60% वोट हासिल करके विजय हुए। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और उपराष्ट्रपति जोको विडोडो की नीतियों के साथ तालमेल उन्हें स्पष्ट जीत के लिए प्रेरित किया है। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में उन्होंने प्रबोवो सुब्यांतो पहले दौर में 60% के साथ विजयी हो गए। हाल में नंद किशोर यादव किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये आपको इतना याद रखना है, और नंद किशोर यादव है ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये नंद किशोर यादव बन चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं नंद किशोर यादव, ये बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित हो चुके हैं, यानी कि अभी वर्तमान में बिहार के ये विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, जैसे ही अपनी कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ की? ये की है लखनऊ के अंदर। और आपको पता है वर्तमान में RPF के यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं मनोज यादव है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट और 500 यूनिट। तो ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब एक दो साथी ने कमेंट भी किया था कि सर आप नानक क्लासेस की तरह पीछे भी यस्टरडे डोज के अंदर 5 क्वेश्चन GK के दिया करो। तो देखो GK के तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, क्लास आपकी लगभग, अब मान के चलो राजस्थान के करंट के तो क्वेश्चन बनते हैं लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, मान के चलो या 6-7 मान सकते हो, लेकिन अपने यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड का पूरा करंट पढ़ते हैं ना तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं डेली के। अगर आपको बताया वो करवाऊंगा और पीछे 5 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा तो लगभग मान के चलो आपका टाइम है ना लगभग 25 मिनट पर ये क्लास चली जाएगी। तो ये मैं नहीं चाहता भी आपका टाइम लगभग 25 मिनट पर जाए, तो यही मैं चाहता हूँ लगभग 17-18 मिनट के अंदर आपका करंट कवर हो जाएगा, इसलिए मैं 5 क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा। क्योंकि वहां पर तो आपको क्या राजस्थान GK तैयार होता है, वहां पर राजस्थान का करंट कितना का बनता है, छोटा सा है, 6-7 क्वेश्चन आते हैं लगभग 5-6, और यहाँ पे आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड दोनों का करंट आएगा, 10-12 क्वेश्चन आपके डेली बनते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आता। आपके कमेंट में रोज देखता हूँ आपको पता है लगभग तरीके से। तो ये अपनी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चल रही है, इंडियन पॉलिटी की है बढ़िया तरीके से, इसके अलावा अपनी RPSC फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत और राजस्थान का ऑनलाइन करंट आपको बढ़िया तरीके से करंट मिलेगा, इससे आपका एग्जाम के अंदर करंट बाहर नहीं जाएगा।
और इसके अलावा अपनी ये नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास कल मिलेगी और ये नई टेस्ट सीरीज होगी, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।